हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द मेकिंग फूड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल इन एडवांस। आज हम लोग का रेसिपी है मकर संक्रांति स्पेशल तिल का लड्डू, तो सभी के घर में बनती है, तो चलिए बनाते हैं तिल का लड्डू। तो सबसे पहले हम लोग तिल और गुड़ 250 ग्राम लिए हैं, दोनों का समान मात्रा होगा। पीनट्स रोस्टेड की हुई, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पीनट देने से टेस्ट अच्छी आती है। और यहाँ हम लोग थोड़ी सी घी लिए हैं। सबसे पहले सूखा कढ़ाई ले, फिर गैस का फ्लेम हाई रखे और तिल को 2 मिनट तक भूने। जब तिल हम लोग को चटकने लगेगा फिर गैस का फ्लेम लो रखे, तब तक चलाएंगे जब तक तिल का कलर चेंज ना हो जाए। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम लोग को चलाते ही रहना है, अगर हम लोग चलाना बंद कर दे तो तिल जो है कढ़ाई में चिपक जाएगी और जल भी सकती है। तो देख सकते हैं हम लोग का कलर चेंज हो रहा है। इस तरह से चलाते रहें। तो देख सकते हैं तिल का कलर हम लोग का पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब इसे एक प्लेट पे उतार लें। एक चम्मच घी डालें, आप यहाँ तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर गुड़ को डालें, गुड़ आप लोग क्रश या छोटे छोटे टुकड़ों में डालें। फिर एक चम्मच पानी डाल दें, फिर चलाते रहें। गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, आप लोग गुड़ को चलाते रहें। तो इधर थोड़ा थोड़ा बबल्स आ रहे हैं। अब देखिए बबल्स आते ही हम लोग समझेंगे कि लड्डू के लिए गुड़ तैयार है। पानी में डाल के देख सकते हैं आप। तो अब हम लोग क्रश किए हुए पीनट्स डाल दें, फिर अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर तिल को जल्दी से जल्दी डाल दें और मिक्स करें, नहीं तो लड्डू बनने में दिक्कत होगी और हार्ड भी हो जाएगी। तो तिल डालते ही गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर एक बोल में पानी ले लें और अपने हाथों से रफ कर लें और गर्मा गर्म ही लड्डू बनाएं, ठंडा ना होने दें क्योंकि लड्डू का नहीं बनेगा। अगर आपका बाय चांस ठंडा हो भी जाए तो आप उसको गैस में फिर से गर्म कर सकते हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है तो उनका भी हेल्प ले ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। देख सकते हैं उनका लगभग गुड़ का लड्डू तैयार हो गया, तिल का लड्डू। हम लोग का तिल का लड्डू बन गया है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो और 1 महीना तक यूज़ कर सकते हो। तो मकर संक्रांति में तिल का लड्डू एंजॉय करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय।